वेलकम टू द पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। सो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। तो यार कोई यार सबसे पहले तो स्पोर्ट दिखाओ यार। सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे आप लोग? बिल्कुल यार, मतलब सारे वीडियोस देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। सो आपकी सारे वीडियो देख के भागे होते हो यार। अबे कर रहे हैं ना, अब स्लो स्लो ही होगा ना, तेजी से तो नहीं हो सकता। ये भी अच्छा। तो मैं इंट्रो दे दो, फिर तू आगे बता दे, ठीक है? मेरा नाम वजाहत है और मैं हूँ बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफी लोगों ने बोला था कि बाहुबली 2 का लास्ट सीन करो, लास्ट फाइट सीन करो, लास्ट फाइट सीन करो। सो आखिरी फाइट सीन है कोई बाहुबली 2 का, तो जल्दी से वजह देखते। मैं तुझे फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उससे पूछी सवाल ना पूछी, ठीक है? तू बीच में वीडियो के बीच में मुझसे पूछता रहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे आप चुप करके इधर लड़ाई है, पता है इधर एक दूसरे को बस तू फाइट चेक करी। काउंट ऑन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। द कंक्लूजन भूमि को देखना है दोनों लाजमी है। और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। ये म्यूजिक जिसने उसका साथ दिया है, एक एक का सर कटना चाहिए। छोटी सी आर्मी लेकर यही बस इसके पास। ये भी कुछ बागी थे रेबेल्स के। ओ तेरी है, इसमें तेज मार कैसे रहे तो तेज तेज। बाहुबली है अबे बलाल देने का। ओ तेरी है, कैसे मारती है वे? ये तो अपने बंदे भी नहीं उड़ा रहा। हाँ इसकी मतलब मेरी जो आ रहा है मार जा रहा मिड में तो अबे दो। ये भी बड़ा पावरफुल है। अबे उड़ा ऐसे रह जैसे बंदे ना हो। ये तो कोई लड़ने गया है। अबे वो मार गया, ले गया इसके अम्मी को। अबे पावरफुल है बंदा। अपने पिता की तरह सोचो, बाहुबली की तरह सोचो। अभी देखी, अभी तू देखी, अभी देखी मुझे। ये ये देखिए अब तू इंटर चेक कर। व्हाट द फक, अबे ये क्या किया है बे? अबे इतना मजा करता है सीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। ये बाउंसिंग बॉल बन गई। ये देख लोग आ रहे हैं, ये देख कोई बंदे आ रहे हैं, वो देख गिरना चेक कर लोगों। अच्छा बंदे गिर रहे हैं, उनको वो कुछ नहीं यार। अबे वो डाल से गिर रहे हैं ना, मतलब यार मूवी है, तू क्या चाहता है? हाँ वो मैं समझ गया। हथौड़ा चाहिए दादा। सारे आ गए, ये कह रहे हथौड़ा। ये तो गेट तोड़ रहा है, तोड़ दिया। काफी बड़ा गेट है। ऐसे उस टाइम तो दरबारों के इतने बड़े बड़े होते थे सब कुछ। ये किंगडम है ना, बहुत बड़ी किंगडम है। जा मां के पास में अग्नि तैयार करो अवंतिका, दंड ले आओ दादा, पांव आगे बढ़ाओ माँ, इससे पहले कि तुम परमेश्वर का तीसरा फेरा खत्म करो, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए इस चिता पर तैयार रखूंगा। बलाल देव फिर आई बलाल।
ये देख फ्लैट वाला है ये, हल्का सा अंदर रखा है। ओके बहन से गए। ओ माय गॉड, अबे क्या सीन है। किसने तोड़ दिया उसका, क्या निशाना था दोनों का। ओके तोड़ दिया। लोगों में इतनी जान भी होती थी ना, बड़े पावरफुल लोग थे। आजकल तो चला चला गए। अब हर कोई डरी गए, आर्मी वाले भी उसे करते। मोरल दे पावरफुल है। हाँ वही तो। अब इसकी मूर्ति, उसकी मूर्ति क्यों बनी हुई थी? ये बलाले की सोने की मूर्ति है। गया शहर में या इसका बाप गया। इसका बाप था लंगड़ा बाज के ना। ये देख वो उसका रास्ता नहीं था तो रास्ता बनाया ना। ये देख सर पे रखती है। मेरा सर फोड़ोगे? मेरा सर तो आए मजे। ये पट्टी लगी फील भी कर रहा मैं भी। अरे वो कर दिया खून से। ये गाइस ये बताना इसको, ये बॉडी जो है प्रभास की बॉडी। वो तेरी का। ओके वो तोड़ दिया। हाँ वो तोड़ दिया। बॉडी कमाल, दोनों की अच्छी है। बलाल देव भी काफी फर्क है। ऊपर वो ऊपर वो थे ना। ये उसके अंदर पाँव फंसा दिए लगता है। पाँव फंसा दिए था उसके अंदर तलवार ताकि निकल ना सके पाँव। ये देख इसको वो तेरी जला दिया। इसे वो सीन खत्म। अच्छा ये था आखिरी इसका सीन। ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगा थोड़ा आगे आगे कार के क्लिप्स दिखाई गई हैं ताकि जल्दी में मतलब 8 मिनट में ये सीन पूरा लगता है किया गया। तूने बात नोट की होगी। हाँ मतलब थोड़ा कट करके बता दो। लेकिन ये कि जिस तरह बता रहे थे मुझे समझ आ गई। मुझे इतना नहीं लगा कि वो कुछ ज्यादा कटन कटाई की है। नहीं इतनी नहीं, थोड़ी बहुत हुई है जल्दी। जो मेन सीन है वो दिखाए गए हैं। लेकिन वो तू मूवी तुझे देखेगा तो और भी तुझे मजा आएगा। तू अब लाजमी मूवी देखी यार। जो मतलब इसमें दिखाया गया मतलब मजा आ गया यार देख के। बहुत मस्त वो जो सीन था ना दोनों का, वो जो तीर वाला मैं भाला, वो जो दोनों ने भाला मारा बिल्कुल निशाने पे लगा। लेकिन तीर लेकिन बाहुबली का जो था वो वाला जोर में था। उसका वो जोर में जाता था और उसको तोड़ के सीधा आगे गया और वो साइड में वो एकदम हैरान होके देखता है। ये क्या भाई? और वो जो तीर वो जो तू कह रहा है वो जो दरख्त पीछे की है और उड़ के गए वो थोड़ा वो गुलेल वाली लॉजिक थोड़ी आउट ऑफ फिजिक्स हो गई। खैर मतलब वो थोड़ा बहुत होता है यार। लेकिन यार ये जिस तरह की मूवी है ना मुझे यार ये वाली चीज समझ सकते है। इतनी सी चीज पे कुछ नहीं होता भाई ना। बिल्कुल इतनी मस्त मूवी है ना। मतलब वो जिस तरह किया ना गुलेल मार के मजा आया कि भाई किस तरह ऊपर यूं घूम घूम के उधर गए और वो बिल्डिंग के अंदर गिर गिर के उनके ऊपर गिरते हैं जाके वो बड़े मजे से। और यार उसने इतनी बड़ी सोने की मूर्ति अपने लिए बनवाई हुई थी। तो ये गरीबों पे मतलब जुल्म करता है ना। अच्छा ये गरीबों पे जुल्म करता था। उनसे खिंचवाता था, उनसे सब कुछ करके करवाता था। अच्छा अच्छा तो यार बहुत ही मस्त सीन था सच में यार। और जिस तरह वो उसके वो गाड़ी में से वो तीर निकलते थे और आगे ब्लेड ओ ब्लेड बहुत ही बीस्ट अपने लिए बनाई हुई थी। उस टाइम पे भी उसका बीस्ट था। अबे वो निकल गया और वो बंदे उड़ाती थी। ये इसका मेन व्हीकल थी
जिस पे बैठ के वॉर में निकलता था बनाल दे, यानी जो आ गया जो भी अपना पराया हो गया वो अपना पराया किसी को ही नहीं देखता था, सीधा मारता था तीर आगे से। क्या बात है। और यार गाइस आप बताना आपको इसमें से कौन सा सीन अच्छा लगा है। हाँ। और जो हमसे सीन छूट गया वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आपको कौन सा सीन पसंद आया यार वो अपने लाजमी बताना है। हाँ। और वो बूढ़ी टूटी और आखिर पे जला दी उसकी माँ ने, तो मस्त है यार सच्ची में, मजा है देख के। अच्छा उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा। तो यहीं पे यार सीन खत्म करते हैं, वीडियो समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। सत श्री अकाल।